फ्रेंड्स, अभी 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। आपको पता है इसे क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कुछ छोटी छोटी कहानियां है जो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पुरानी कहानी है भगवान श्री कृष्ण की और द्रौपदी की। ऐसे कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर अपना सुदर्शन चक्र चलाया, चक्र की गति से उनकी उंगली को चोट लग गई और खून बहने लगा। आसपास खड़े सब लोग कपड़ा ढूंढने में लगे रहे, पर साथ में खड़ी द्रौपदी ने तुरंत अपना पल्लू फाड़ के कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया। तब श्री कृष्ण जी ने उनको कहा, आज तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे बुरे वक्त में भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और जब द्रौपदी पर मुश्किल आई, तब श्री कृष्ण ने ही उनकी मदद की और इसी कारण रक्षाबंधन मनाया जाता है। चलो, इसके अलावा भी एक स्टोरी है। ऐसा बताया जाता है कि हुमायूं ने रानी कर्णावती को भवन का दर्जा देके मदद की थी। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला करा, तब रानी घबरा गई। वो युद्ध करने में असफल थी, तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं ने राखी की लाज रखने के लिए मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह से लड़ाई की। इसीलिए रक्षाबंधन बहुत खास है और भाई बहन का रिश्ता हर धर्म के ऊपर आता है। अब आखिरी में एक कविता सुनाता हूँ, किसने लिखी पता नहीं, पर मुझे बहुत अच्छी लगी। कैसी भी हो, एक बहन होनी चाहिए। बड़ी हो तो माँ बाप से बचाने वाली, छोटी हो तो हमारे पीठ पीछे छुपने वाली, बड़ी हो तो चुपचाप हमारे पॉकेट में पैसे डालने वाली, छोटी हो तो चुपचाप पैसे निकालने वाली, छोटी हो या बड़ी, छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाली एक बहन होनी चाहिए। बड़ी हो तो गलती पे हमारे कान खींचने वाली, छोटी हो तो गलती पर सॉरी भैया कहने वाली, खुद से ज्यादा हमें प्यार करने वाली एक बहन होनी चाहिए। कैसी लगी आपको कविता? हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय सिस्टर्स। थैंक यू।